हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजन ऑफ नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, वैक्सीन शेड्यूल होता है जो छोटे बच्चों को दी जाती है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है वहाँ से लेके 16 ईयर की 16 साल की अवस्था तक जो वैक्सीन लगती है बच्चों को, वो कौन कौन सी होती है, साथ ही ये वैक्सीन कहाँ पे दी जाती है, मतलब किस जगह पे लगती है, उस रूट को हम क्या कहते हैं और उसकी डोज क्या होती है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जो ये वैक्सीन प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये कब लॉन्च हुआ, मतलब कब इसकी शुरुआत हुई भारत में, ये कब लॉन्च हुआ, और इसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी डिजीज है, ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिनसे ये वैक्सीन बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है WHO का, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में हम इसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो जहां पे भी स्वास्थ्य की बात आती है वहां पे WHO 101% रहता है, क्योंकि जो भी हम मानक तय होता है, जो भी हमारे स्वास्थ्य के प्रति मानक तय होता है, वो सभी WHO की गाइडलाइन पे ही होता है। तो जो WHO है, सबसे पहले इसी ने इसकी शुरुआत की, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, तो जो WHO है उसके द्वारा सबसे पहले 1974 में सभी बच्चों के लिए जो 6 तरह की बीमारियां होती हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ वैक्सीन डेवलप की गई, इसलिए हमने इसको बोला 6 प्रिवेंटेबल डिजीज वैक्सीन। तो किसके द्वारा ये लॉन्च की गई, WHO के द्वारा, और कब, 1974 में सबसे पहले। कौन कौन सी वैक्सीन थी, 6 वैक्सीन थी, जिसमें कौन कौन थी, फर्स्ट टीवी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंड पोलियो, थर्ड डिफ्थेरिया, फोर्थ होपिंग कफ जिसको पर्ट्यूटिस भी कहते हैं, पर्ट्यूसिस, फिफ्थ टिटनस, एंड 6 मिजिल्स। तो यही 6 डिजीज हैं, 6 बीमारियां हैं जिनके लिए WHO ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया 1974 में। और इस प्रोग्राम को किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च किया गया ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसको 1974 में WHO के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसी ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत ही ये जो 6 तरह की बीमारियां हैं उनसे बच्चों को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, उनसे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन बनाई गई। अब ये जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है EPI के नाम से, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ये एग्जाम में आता भी है कि जो EPI है, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये कब लॉन्च हुआ, तो सीधा इसका आंसर होगा 1974। अभी जो 6 वैक्सीन से रिलेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये कौन सा था, ये ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था। अभी जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये तो लॉन्च किया गया जिसमें 6 तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए बच्चों को वैक्सीन बनाई गई, लेकिन इसमें इसको किस नाम से जाना जाएगा, जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसको हम किस नाम से जानेंगे, इसको हम जानेंगे EPI के नाम से। अब जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है, EPI है, ये भारत में कब आया, भारत में इसको लॉन्च किया गया 1978 में, EPI इन इंडिया, कब आया ये, 1978 में। अब इसमें क्या हुआ कि जो 1978 में जब ये भारत में लॉन्च किया गया EPI को, तो इसमें सभी वैक्सीन को नहीं लिया गया। WHO ने तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो 6 तरह की बीमारियां थी उनको लड़ने के लिए जितनी भी वैक्सीन बनाई थी सबको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। भारत में जब 1978 में EPI आया, तो उस समय क्या हुआ कि सिर्फ 3 तरह की वैक्सीन को ही परमिशन दी गई। इसमें कौन कौन थी, इसमें थी DPT की 3 डोज, BCG की 1 डोज, एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनको TT की 2 डोज। तो ये 3 जो वैक्सीन है ये
रखी गई 1978 में जब ईपीआई भारत में लॉन्च हुआ उस दौरान। इसके बाद 1979 में पोलियो को रखा गया, ओपीवी को, ओपीवी को जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, इसको रखा गया। और 1985 में मिजल्स को ऐड किया गया, मिजल्स को ऐड किया गया। मतलब कि जब ये भारत में प्रोग्राम आया, ईपीआई आया, तो डायरेक्ट सभी जितनी भी वैक्सीन है सबको इन्वॉल्व नहीं किया गया। सबसे पहले जब 1978 में ये आया तो डीपीटी की 3 डोज रखी गई, बीसीजी की 1 डोज रखी गई, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी 2 डोज रखी गई। और इसके बाद फिर 1979 में ओबीबी को ऐड किया गया, और फिर 1985 में मिजल्स को ऐड किया गया। उसके बाद 1985 में ही यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP को भारत में लॉन्च किया गया। अब ये जो UIP है इसको एक खास दिन लॉन्च किया गया, आप इसको याद कर सकते हैं, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनको हम श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, उन्हीं की याद में जो UIP है इसको 19 नवंबर को लॉन्च किया गया। और उस समय जो ईयर था वो 1985 था। तो 19 नवंबर 1985 को जो UIP है जिसको हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं ये लॉन्च किया गया। इसके बाद जो UIP है इसको 1992 में CSSM में जोड़ दिया गया, और 1997 में RCH में जोड़ दिया गया। RCH जो CSSM है इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। तो इसमें UPI को ऐड कर दिया गया, कब, 1992 में। उसके बाद जो RCS है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, इसमें 1997 को ऐड कर दिया गया। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो वैक्सीन होती है इसके शेड्यूल में जो पहली वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसको दी जाती है एट बर्थ, कौन सी वैक्सीन दी जाती है, BCG की दी जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है जो वैसिनस कार्वेट ग्यूरिन है, यही वैक्सीन सबसे पहले बच्चे को दी जाती है। अब अगर इसके हम डोज की बात करें तो कितनी दी जाती है, अगर एट बर्थ दे रहे हैं तो 0.05 ml देंगे। जब बच्चा 0 से लेके 1 महीने तक का होगा, मतलब विलो 4 वीक, अगर 4 सप्ताह से कम है बच्चे की एज तो हम उसको देंगे 0.05। इन कंडीशन अगर एट बर्थ या फिर 1 महीने के अंदर बच्चे को ये वैक्सीन नहीं लगी तो फिर हम इसकी डोज कब दे सकते हैं, हम इसकी डोज बच्चे को 1 ईयर के बीच में दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एट बर्थ ये छूट गया है तो फिर क्या करेंगे कि अगले महीने हम इसको दे सकते हैं, या फिर यूं कहें कि हम 0 से लेके जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है उस बीच हम कभी भी इस वैक्सीन को दे सकते हैं, लेकिन इसमें डोज चेंज हो जाती है। अगर बच्चे को हम 1 महीने के अंदर ये वैक्सीन देते हैं तो इसमें डोज 0.05 ml रखेंगे, लेकिन अगर 4 वीक या फिर 1 महीने के बाद देते हैं तो उस समय जो इसकी डोज होगी वो 0.1 ml होगी। अब अगर हम इसके रूट की बात करें कि किस रूट में देंगे, तो रूट उसका होगा IDA, मतलब इंट्राडर्मल, और कहाँ पे देंगे, लेफ्ट अपर आर्म में देंगे। हमेशा हम लेफ्ट आर्म में ही लगाते हैं, लेफ्ट अपर आर्म, यहाँ पे ये वैक्सीन लगाई जाएगी, इंट्राडर्मल लगाई जाएगी। अब इसमें जो सिरिंज यूज होती है, जो निडल यूज होती है, वो 26 गेज की होती है, 26 गेज की निडल का हम यूज करते हैं, जिसको ट्यूबरकुलिन सिरिंज कहते हैं, ट्यूबरकुलिन सिरिंज कहते हैं। तो इसी का यूज किया जाता है जब भी BCG दी जाती है। तो BCG ये तैयार की जाती है माइकोबैक्टीरियम बोविज के लाइव अटेन्यूएटेड मेथड से तैयार की जाती है, जो ड्राई फॉर्म में होती है, ड्राई फॉर्म में होती है, और इसको डायल्यूट करने के लिए हमको एक लिक्विड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो वो जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल सलाइन, NS के द्वारा ही इस वैक्सीन को डायल्यूट किया जाता है। अगर हम इसकी जगह पे
डिजिटल वाटर को यूज करें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डिजिटल वाटर होता है वो मे भी इरिटेशनल हो सकता है। इसीलिए इस वैक्सीन को डायल्यूट करने के लिए हमेशा नॉर्मल स्लाइन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में होती है। अब ये जो BCG वैक्सीन है ये बच्चे को क्यों लगाई जाती है? ये बच्चे को लगाई जाती है ताकि बच्चे में जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, यक्ष्मा है, फिर क्षय रोग है, उससे उसको एक तरह से उसके बॉडी में इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग कर सके, ताकि उसको फ्यूचर में ट्यूबरक्लोसिस ना हो। इसके साथ ही जो लेप्रोसी होती है उससे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि किन बच्चों को BCG नहीं देनी चाहिए? तो जो बच्चे HIV/AIDS से ग्रसित होते हैं उनको BCG नहीं दी जाती है। BCG किसी बच्चे को लगा है आप ये कैसे जानेंगे? किसी भी बच्चे को जब BCG लगती है तो उसका जो अबर आग होता है, जहां पे जिस रूट पे ये लग रही है, जिस जगह पे लग रही है, वहां पे 4 सप्ताह के अंतर विद इन फोर वीक 4 से 5 mm का पप्यूल डेवलप होता है। ये जो पप्यूल होता है ये फिर धीरे धीरे अपने आप सही हो जाता है, छोटा सा अल्सर जैसा बनता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप सही हो जाता है। लेकिन वहां पे एक चिन्ह बन जाता है, एक साइन बन जाता है, जिससे हम आसानी से जान जाते हैं कि इस बच्चे को BCG लग चुकी है। ये हर बच्चे में होता है और इसको जानने के लिए हमेशा लेफ्ट आर्म ही देखी जाती है, इसीलिए ये लेफ्ट आर्म में लगाया जाता है, ताकि इसलिए हम इसको जान सकें। अब जब हम BCG देते हैं तो BCG के साथ 2 वैक्सीन और दी जाती है। कौन कौन सी? एक होती है OPV और एक होती है हेपेटाइटिस बी। तो जैसे ही BCG की हमने यहाँ पे डोज बताई और उसका रूट बताया, उसी तरह से OPV दी जाती है। तो OPV की जो 0 डोज होती है इसको हम देते हैं विद इन 15 डेज, मतलब कि 15 दिन के अंदर, जन्म से लेके 15 दिन के अंदर की जो टाइम ड्यूरेशन होती है उसमें हम ओरल पोलियो वैक्सीन को बच्चे को देते हैं। 15 दिन के बाद फिर इसको हम नहीं देते, फिर हम इसको फर्स्ट डोज में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो 0 डोज की बात कही जा रही है, 0 डोज दी जाती है जन्म से 15 दिन के अंदर। कितनी होती है? 2 ड्रॉप। और रूट क्या होता है? ओरल होता है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है वो 3 तरह के जो पोलियो वायरस होते हैं उनको मिक्स करके जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है उसके रूप में ओरल पोलियो वैक्सीन को बनाया जाता है। अब अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ये विद इन 24 आवर के बीच में दिया जाता है, मतलब 24 घंटे के अंदर, जन्म से लेके 24 घंटे के अंदर जो हेपेटाइटिस बी की 0 डोज होती है वो बच्चे को दी जाती है। अब अगर इसके हम डोज की बात करें कि कितना दी जाती है, ये तो जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये डोज की हम यहाँ काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये अमाउंट जो होता है, क्वांटिटी में जो होता है वो कितना होता है? 0.5 ml होता है। और इसको देते हैं इंट्रा मस्कुलर का मतलब होता है कि जो बच्चे की थाई होती है हम वहां पे इसको आराम से दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे मसल्स ज्यादा होती हैं। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जब बच्चे का जन्म होता है एट बर्थ बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है और किस रूट में दी जाती है और कितनी डोज में दी जाती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि जब बच्चा 6 वीक का हो जाता है, या यूं कहें कि 1.5 मंथ का हो जाता है, तो उस दौरान उसको कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो इसमें 5 टाइप की वैक्सीन दी जाती है जब बच्चा 1.5 महीने का या फिर 6 वीक का हो जाता है उस दौरान। तो इसमें कौन कौन सी है? फर्स्ट है इसमें पेंटावेलेंट जो है ये DPT की जगह पे दी जा रही है। पहला जो पुराना इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल था उसमें DPT दी जाती थी, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज। तो जो फर्स्ट डोज स्टार्ट होती थी वो 6 वीक या फिर 1.5 महीने से स्टार्ट होती थी, दूसरी फिर 10 वीक के पे लगती थी और 14 वीक पे लगती थी। अब उसी को कन्वर्ट करके पेंटावेलेंट वैक्सीन बना दिया गया, DPT की जगह पे पेंटावेलेंट वैक्सीन आ गई है। इसमें 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सी वैक्सीन होती है इसमें? होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टेटनस, हेपेटाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ये जो 5 डिजीज है इन्हीं के 5 टाइप के एंटीजन है जो पेंटावेलेंट में होते हैं। तो इन 5 चीजों को मिला के एक पेंटावेलेंट कर दिया गया। अगर हम इसके डोज की बात करें कि कितना दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 0.5 ml और
इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, एंटीरियर लैटरल इसकी साइड होती है। अगर हम ये देखें कि ये कहां पे देते हैं, तो जैसे अगर ये बच्चे का मान लीजिए कि थाई है, ये सपोज दैट कि उसका लेफ्ट थाई है, तो लेफ्ट थाई में ये इनर वाला हो गया, ये आउटर पार्ट हो गया। अब यहां मिड पार्ट से हम इसको डिवाइड कर लें, इसके बाद इसको हम तीन सेक्शन में कर लेते हैं, ये नी हो गया और ये हो गया ग्रेटर टोकांटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये पटेला वाला पार्ट हो जाएगा, ये ग्रेटर टोकांटर वाला पार्ट हो जाएगा। अब ये जो पार्ट बचेगा, यहीं पे हम बच्चे को वैक्सीन देंगे, जब भी इंट्रामस्कुलर कोई भी वैक्सीन देंगे, इसको बोलते हैं वेस्टस लैटरलिस। लैटरलिस अभी जो वेस्टस लैटरलिस है, यही साइड पे बच्चे को वैक्सीन दी जाती है आईएम रूट में इंट्रामस्कुलरली। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओपीवी, जिसको बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। इसकी फर्स्ट डोज दी जाती है 2 ड्रॉप और ये ओरल दी जाती है। उसके बाद आता है आईपीवी, जिसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती है। ये तो ओरल दी जाती है, ओपीवी ओरल दी जाती है, लेकिन जो आईपीवी होती है ये आईडी मतलब इंट्राडर्मल दी जाती है। और कहां दी जाती है, लेफ्ट अपर आर्म में। इसके पहले हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि जो बीसीजी थी वो कहां पे दी जा रही थी, वो लेफ्ट अपर आर्म में दी जा रही थी, लेकिन जो आईपीवी है ये कहां दी जा रही है, राइट अपर आर्म में। राइट अपर आर्म में देंगे, कितना देंगे, 0.1 ml देंगे। नेक्स्ट इसमें देते हैं पीसीवी, न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन। पी से न्यूमोकोकल, सी से कंजुगेटेड और वी से वैक्सीन, ये देते हैं। इसकी फर्स्ट डोज देते हैं कितनी, 0.5 ml, और ये भी देते हैं इंट्रामस्कुलरली। उसके बाद नेक्स्ट आता है रोटा वायरस, तो रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है, इसकी फर्स्ट डोज देते हैं 5 ड्रॉप और ये ओरल देते हैं। तो इन 5 वैक्सीन में जो 2 वैक्सीन है, ओपीवी है और रोटा है, इसको हम देते हैं ओरल रूट से। और बाकी जो ये 3 वैक्सीन बचती हैं, पेंटावेलेंट हो गया, आईपीवी हो गया और पीसीवी हो गया, इसको हम देते हैं आईएम, 2 को IM देते हैं और 1 को ID देते हैं, मतलब ये इंजेक्टेबल फॉर्म में होती हैं। नेक्स्ट अब जब सेकेंड डोज की बात आती है, ये तो फर्स्ट डोज हो गया, क्योंकि जितनी वैक्सीन है सबका फर्स्ट डोज हो गया। कब देते हैं, जब बच्चा 6 वीक का होता है या फिर 1.5 महीने का होता है। जब इसकी सेकेंड डोज देंगे तो कब देंगे, अब जो सेकेंड डोज होती है वो प्रॉपर 1 मंथ के बाद जाती है, जिस डेट पे ये वैक्सीन लगती है उस डेट से लेके जिस दिन 1 महीना पूरा होता है जिस डेट पे, उसी डेट पे फिर दोबारा इसकी सेकेंड डोज लगती है, जिसमें से 2 वैक्सीन होती है जिनकी सेकेंड डोज नहीं लगती है। जैसे अगर मान लीजिए 6 वीक पे लग रहा है, तो अब नेक्स्ट जो डोज लगेगी वो कब लगेगी, 6 में अगर 4+ करेंगे तो 10 वीक, 1 महीने हो जाएंगे 10 वीक पे, और अगर 1.5 महीने का बच्चा है तो 2.5 महीने का हो जाएगा। अब उसमें क्या लगेगा, पेंटा लगेगा ही लगेगा, पेंटा की सेकेंड डोज लगेगी, डोज 0.5 ml ही होगा, रूट IM ही होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ओपीवी की कौन सी डोज होगी, सेकेंड डोज होगी, कितना देंगे इसको, 2 ड्रॉप देंगे, और किस रूट से देंगे, ओरल देंगे। उसके बाद जो थर्ड होगी क्या होगी, रूटा, थर्ड वैक्सीन होगी रूटा, रूटा की सेकेंड डोज देंगे 5 ड्रॉप एंड ओरल। तो जो बच्चे को 10 वीक कहें या फिर 2.5 महीने पे कहें, जो वैक्सीन दी जा रही है उसमें से 2 वैक्सीन हट जा रही है, कौन कौन सी, 1 तो IPV और 1 PCV, इन दोनों वैक्सीन का गैप हो जाता है जब उसको सेकेंड डोज लगती है इन सभी वैक्सीन की। जब 6 वीक में लगेगा तो 5 लगेंगी और जब 10 वीक पे लगेगा तो 3 लगेंगी, आईपीवी और पीसीवी हट जाएगी, सिर्फ पेंटा ओपीवी और रोटा की सेकेंड डोज लगेगी। लेकिन जब थर्ड डोज लगेगी, थर्ड डोज का मतलब कि अब 10th वीक हो गया, 10th वीक में फिर हम 1 महीने जब एड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 वीक। तो जब 14 वीक हो जाएगा तो 14 वीक कहें या फिर 3.5 महीने कहें, तो उस दौरान जो वैक्सीन का शेड्यूल होगा वो सेम फिर यही आ जाएगा, बस इसमें डोजेज चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे क्या था, पेंटा सेकेंड था, तो अब जब 14 वीक या फिर 3.5 महीने पे लग रहा है तो पेंटा की कौन सी डोज जाएगी, थर्ड डोज जाएगी, जो कि सेकेंड यहाँ पूरी हो गई, तो यहाँ पे कौन सी डोज जाएगी, थर्ड डोज जाएगी। अब ओपीवी हो चुकी थी तो यहाँ पे ओपीवी कौन सी डोज जाएगी, थर्ड डोज जाएगी। रूटा लगा था सेकेंड डोज, तो थर्ड क्या होगा, रूटा हो जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा इसमें आईपीवी और पीसीवी,
तो जो आईपीवी होगा और पीसीवी होगा इन दोनों की सेकेंड डोज लगेगी, सेकेंड डोज। अब आईपीवी और पीसीवी, तो इस तरह से आप इस शेड्यूल को इसलिए याद कर सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको जो फर्स्ट वैक्सीन लगती है वो बीसीजी होती है। एट बर्थ बीसीजी देते हैं और पोलियो की जीरो डोज देते हैं और हेपेटाइटिस देते हैं, ये तीन वैक्सीन लगती है। उसके बाद जब बच्चा 1.5 महीने का या फिर 6 वीक का हो जाता है तो 5 तरह की वैक्सीन लगती है। 5 तरह की वैक्सीन में इनमें 2 वैक्सीन ऐसी होती है जो बच्चे को ओरल दी जाती है और 3 वैक्सीन ऐसी होती है जो इंजेक्टेबल होती है। उन 3 वैक्सीन में 1 वैक्सीन जो होती है आईपीवी उसको हम इंट्राडर्मल देते हैं, बाकी 2 IM देते हैं। उसके बाद जब इसकी सेकेंड डोज लगती है तो उस दौरान इन 5 वैक्सीन में से 2 वैक्सीन नहीं लगती हैं, आईपीवी और पीसीवी। अब ये जो 2 हटा दिए तो 3 बची। इसके बाद जब बच्चा 3.5 महीने का होता है तो तीसरी जब खुराक लगती है इन 5 वैक्सीन की तो उसमें क्या होता है, 2 वैक्सीन ये छूटी थी। तो जब ये दोनों वैक्सीन बच्चे को तीसरी बार लगेंगी जब बच्चा 3.5 महीने का हो जाएगा तो उस दौरान इन दोनों की सेकेंड डोज आएगी क्योंकि ये सेकेंड डोज में छूट गई थी। सेकेंड डोज में सिर्फ 3 वैक्सीन को रखा गया था, पेंटा को, ओपीपी को और रोटा को। तो अब जो पेंटा है, ओपीपी है, रोटा है, इन तीनों की तीसरी डोज होगी लेकिन इन दोनों की दूसरी डोज होगी। तो इस तरह से बच्चे का जो 3.5 महीने की वैक्सीन का कोर्स था वो कम्प्लीट हो गया। अब बच्चे को जो नेक्स्ट वैक्सीन लगेगी वो 9 मंथ पे लगेगी। अब जब बच्चे के 3.5 महीने के टीके कंप्लीट हो जाएंगे तो जब वो सीधे 9 महीने का होगा तब हम उसको अब फिर से वैक्सीनेट करना शुरू करेंगे। तो उसमें हम कौन कौन सी वैक्सीन देंगे, 3 टाइप की वैक्सीन देंगे। कौन सी, फर्स्ट इसमें एमआर, एमआर कितनी देंगे, 0.5 ml। एमआर का मतलब होता है मिजल्स और रुबेला, इसके फर्स्ट डोज देंगे। और कहां देंगे, रूट क्या है इसका, सबक्यूटेनियस देंगे, राइट अपर आर्म में देंगे। तो अगर हम इसके रूट की बात करें कि जो 0.5 ml हम ये वैक्सीन दे रहे हैं सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं वो कितने एंगल पे देंगे, तो इसको हम देंगे 45 डिग्री एंगल पे। अगर सीधा हम देखें कि अगर मान लीजिए ये घेरा है, ये टोटल कितना है, 360 डिग्री का है। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 20 से तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब अगर हम इसको फिर से ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो जब बात होती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की तो उस दौरान जो सिरिंज को हम होल्ड करते हैं उसको हम 90 डिग्री पे होल्ड करते हैं, 90 डिग्री पे लगाते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये सिरिंज है, अगर हम इसको किसी को इंट्रामस्कुलर देना है, आईएम देना है, तो उस दौरान जो हमारे सिरिंज के पकड़ने का तरीका होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। और इसी तरह से हम उसको इंजेक्ट भी करेंगे। अगर हमको ये स्किन है और इसमें हमको लगाना है तो फिर हम इसको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और 90 डिग्री पे इस तरह से इंट्रामस्कुलर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस की, तो सबक्यूटेनियस हम देते हैं 45 डिग्री एंगल पे। तो जब ये 90 डिग्री एंगल है, अगर हम इसको 20 ऐसे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल। तो 45 डिग्री के एंगल पे हम सबक्यूटेनियसली रूट से इंजेक्शन देते हैं। तो अगर हम सिरिंज को होल्ड करेंगे तो जैसे हमने बताया कि ये 90 डिग्री पे है, तो अगर 90 डिग्री का हम आधा करते हैं, सिरिंज को हम ऐसे ले आते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री एंगल पे। तो जो जब हमको सबक्यूटेनियसली देना होता है तो उस दौरान जो 90 डिग्री का एंगल है इसको हम हाफ कर देते हैं, तो 45 डिग्री का एंगल आराम से बन जाता है और हम सबक्यूटेनियसली आराम से इंजेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आईडी, मतलब इंट्राडर्मल। तो जो इंट्राडर्मल होता है उसको हम 15 डिग्री पे देते हैं, 15 डिग्री एंगल पे देते हैं। अब जैसे हमको 15 डिग्री एंगल लेना है, अपने इंजेक्शन को होल्ड करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है कि जो भी आपकी स्किन का सरफेस एरिया है आप उससे 1 इंच ऊपर जो अपना सिरिंज है उसको होल्ड करके आराम से इंजेक्शन लगा सकते हैं। जैसे अगर ये हमारी स्किन है, ये स्किन है, अब यहाँ पे हमको देना है, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। अब स्किन से अगर हम 1 इंच ऊपर रखेंगे अपनी निडल को, अपने सिरिंज को, तो आराम से हम इंट्राडर्मल दे सकते हैं इस तरह से। और ये साइड बिल्कुल सही होती है, किसी को अगर आपको मेजर करना है तो आप इस तरह से आईएम, आईडी या फिर इन सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं, आराम से आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। जे की बात करते हैं तो जे की भी फर्स्ट डोज हम देंगे, जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो ये वैक्सीन होती है इसको हम कितना देंगे, इसको देंगे 0.5 ml रस्सी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट अपर आर्म में दे रहे हैं। जो हमने एमआर दिया वो राइट अपर आर्म में दिया और जो जे दे रहे हैं वो लेफ्ट अपर आर्म में दे रहे हैं। इसका भी रीजन है क्योंकि अगर हम एक ही साइड पे 2 वैक्सीन लगा देंगे तो बच्चे के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, इसीलिए एक वैक्सीन राइट में दी जा रही है और एक वैक्सीन लेफ्ट में दी जा रही है। लेकिन ये आपको याद रखना होगा
कि कौन सी राइट में देते हैं और कौन सी लेफ्ट में देते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि जो भी वैक्सीन है, मान लीजिए सपोज कि अगर हम यहाँ पे एमआर को ही लेते हैं, तो अब अगर एमआर में एग्जाम्पल में दे दिया राइट अपर आर्म और लेफ्ट अपर आर्म, तो आप इसमें भी कंफ्यूज जाएंगे। तो इसको आप इसलिए याद रखिए, एमआर है लास्ट में, आर आ रहा है, इसका मतलब राइट अपर आर्म में होगा लास्ट। जब आप एमआर को याद रखेंगे तो जेई ऑटोमेटिक आपको याद ही रहेगा, क्योंकि एमआर के बाद जेई ही बच रहा है और इसमें सिर्फ तीन ही है। तीसरे को याद करना बहुत ही सरल है, क्योंकि विटामिन ए है, इसका फर्स्ट डोज हम देते हैं कितना, पहली बार तो ओरल देंगे, दूसरा 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या फिर 1 ml, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो वैक्सीन लगेगी 16 से 24 मंथ के बीच में, इसमें क्या होगा, ये जो तीनों वैक्सीन है, इन तीनों वैक्सीन को हम सीधा उठा के रख देंगे। एमआर की सेकेंड डोज चूंकि फर्स्ट हो चुकी है, जेई की सेकेंड डोज और विटामिन ए की भी सेकेंड डोज, ये हो गया। इसके अलावा दो वैक्सीन और इसमें ऐड हो जाएगी, कौन कौन सी, डीपीटी, डीपीटी की फर्स्ट बूस्टर डोज रहेगी, फर्स्ट बूस्टर डोज और ओपीबी, फर्स्ट बूस्टर डोज, ये दो बूस्टर डोज होंगी। बाकी सेम जो 9 मंथ में बच्चे को दी जा रही थी वही यहाँ पे उठा के रख दी जाएगी, सबकी डोज सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो विटामिन ए है इसकी डोज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 1 लाख थी फर्स्ट डोज में, 1 लाख थी और सेकेंड डोज में 2 लाख हो जाएगी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ये डोज हो जाएगी, बाकी ये ओरल ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम डीपीटी की और ओपीवी की, तो ओपीवी तो ओरल ही दी जाती है, ओरल ही देते हैं, अब बचा क्या डीपीटी बचा, क्योंकि इन दोनों की डोज तो सेम इसी डोज पे रहेगी, बचा क्या आप डीपीटी बचा, तो डीपीटी भी हम देंगे 0.5 ml और इसको देंगे इंट्रा मस्कुलर। अब मान लीजिए कि इन कंडीशन ये जो ओपीपी और डीपीटी की बूस्टर डोज है छूट गई, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि अगर डीपीटी और बूस्टर है तो जो डीपीटी ये बच्चे को 7 साल तक दिया जा सकता है, मतलब कि शुरुआत इसकी हो रही है 16 से 24 महीने के बीच में, मतलब कि अगर बच्चा 2 साल का है, 24 महीने का मतलब कि 2 साल का और 16 का मतलब कि 1 साल 4 महीने का, तो अगर बच्चा 1.5 से 2 साल का है तो वहां से हम जो फर्स्ट बूस्टर डोज है इसको शुरू कर सकते हैं, इन कंडीशन नहीं लगा तो 2 साल से लेके 7 साल के बीच में कभी भी इस डोज को लगवाया जा सकता है। नेक्स्ट जो ओपीपी है, अगर ओपीपी की बूस्टर डोज छूट गई है तो इसको आप 5 साल तक के अंदर में कंप्लीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए एमआर है, एमआर की सेकेंड डोज वाली छूट गई है, तो आप सोचेंगे कि हमने फर्स्ट तो कंप्लीट करवा ली, अब सेकेंड कैसे कंप्लीट करवाएं, तो एमआर को भी आप 5 साल तक कभी भी कंप्लीट करवा सकते हैं, इसकी जो डोज होती है इसको भी आप कभी भी 5 साल के अंदर कंप्लीट करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 9th मंथ में छूट गई है तो भी आप इसको कवर करवा सकते हैं, अगर मान लीजिए कि एमआर की सेकेंड डोज छूट गई तो भी आप इसको कवर करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम जेई की बात करें कि अगर जेई की डोज छूट गई तो आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो जेई की जो डोज होती है इसको भी आप 15 साल के अंदर कभी भी लगवा सकते हैं। मान लीजिए अगर इसकी फर्स्ट डोज आपने लगवा ली, सेकेंड डोज छूट गई है, तो 9 महीने में आपने इसकी फर्स्ट डोज लगवाई, उसके बाद 16 से 24 के बीच में इसकी टाइम ड्यूरेशन थी, तो आप 6 से 8 महीने के बाद या फिर 10 महीने के बाद कभी भी 15 साल के अंदर ये जेई की सेकेंड डोज लगवा सकते हैं, या यूं कहें कि अगर आपकी फर्स्ट डोज ही नहीं लगी है तो आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आपको ये पता चले किसी के द्वारा, आप वहां पे भी अपने बच्चे को वैक्सीनेट करवा सकते हैं, क्योंकि जो जेई की टाइम ड्यूरेशन है वो 15 साल तक की है, तो 15 साल के बीच में आप अपने बच्चे की वैक्सीन पूरी करवा सकते हैं। तो 9 महीने की जो वैक्सीन है इसको भी दोहराया जा सकता है, उसके बाद 16 से 24 महीने की जो वैक्सीन है उनको भी दोहराया जा सकता है। अब इसमें याद रखने के लिए बिल्कुल इजी मेथड ये है कि 9 महीने पे जो भी वैक्सीन लग रही है वही वैक्सीन फिर बच्चे को 16 से 24 महीने के बीच में लगेंगी, बस दो वैक्सीन इसमें ऐड हो जाएंगी, डीपीटी बूस्टर और ओपीवी बूस्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट वैक्सीन कब लगती है, नेक्स्ट वैक्सीन जब बच्चा 5 ईयर का हो जाता है, बच्चा 5 ईयर का हो जाएगा तब लगेगी। तो 5 ईयर का जब बच्चा होगा तो यही दोनों वैक्सीन लगती हैं, डीपीटी की बूस्टर सेकेंड डोज और ओपीवी की बूस्टर सेकेंड डोज। अब इसमें जो डोज होगी सेम होगी, 0.5 ml डीपीटी होगा और 2 ड्रॉप ओपीवी होगा, 2 ड्रॉप ओपीवी होगा, रूट क्या होगी ओरल होगी और डीपीटी क्या होगी इंट्रा मस्कुलर होगी। बस ये जो विटामिन ए है इसकी डोज बच्चे को कंटिन्यू हर 6 महीने के अंतराल पे चलती रहेगी, कब तक, 5 साल तक। 9 महीने से ये शुरू होती है, 9 महीने से 9th मंथ में फर्स्ट डोज दी जाती है किसकी, विटामिन ए की,
और फिर ये कंटिन्यू हर 6 महीने के इंटरवल पे बच्चे को पिलाई जाती है 5 साल तक। तो टोटल कितनी डोज जाती है, टोटल जाती है 9 डोज। अब इसके बाद लास्ट डोज बचती है कि जब बच्चा 10 से 16 साल के बीच होता है तो उस दौरान एक इंजेक्शन लगता है जिसको हम बोलते हैं टेटनस टॉक्साइड टीटी। उसकी जो डोज होती है वो भी 0.5 ml होती है और जो रूट होता है वो भी IM होता है, इंट्रा मस्कुलर होता है। तो जब भी बच्चा 10 साल से लेके 15 साल के बीच का हो तो एक टीटी की डोज जरूर लगवानी चाहिए। अब इसके बाद फिर जो वैक्सीन आती है उसमें आता है TD जो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को लगाई जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को 2 डोज दी जाती है। फर्स्ट डोज हम देते हैं जब जैसे ही अर्ली प्रेगनेंसी का पता चलता है और सेकेंड डोज तब देते हैं जब पहली डोज दी जाती है, पहली डोज के 1 महीने के बाद दूसरी डोज फीमेल्स को दी जाती है। तो आज इसी के साथ हमारा जो वैक्सीन का शेड्यूल था, न्यू वैक्सीन शेड्यूल था, वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।